राखीगढ़ी गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर आज 12 खाप की पंचायत ने 12 खाप के भाईचारे को राजनीतिक रूप से एक करने के लिए पंचायत की। इस पंचायत में पहुंचे संदीप भारती ने बताया कि काफी लंबे समय से हमारा भाईचारा बना हुआ है, लेकिन चुनाव के समय सब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जयकारे लगाने लगते हैं, लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य है कि सभी मिलकर एक उम्मीदवार का चयन कर उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संदीप लोरा और कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार राजबीर सिंधु भी इस पंचायत में पहुंचे, लेकिन पंचायत की तरफ से किसको समर्थन मिलेगा इसका फैसला आज नहीं हो पाया। इसका फैसला 29 सितंबर को किया जाएगा। आज की पंचायत 12 का हमारा जो भाईचारा है उसको राजनीतिक रूप से एक करने के लिए हुई। लंबे समय से हम सामाजिक तौर पे एक हैं, लेकिन चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों के जयकारे लगाने लगते हैं, तो इस पर हमारा प्रयास है कि हमारी जो खाप है, हमारा जो भाईचारा है, वो राजनीतिक रूप से एक होकर अपने किसी बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करे, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं जिनकी 5 साल सुनवाई नहीं होती है, हमारी खाप में कम से कम 5 साल में 10 बार आंदोलन कर चुके अलग अलग मुद्दों, लेकिन ना वित्त मंत्री ने संभाला, ना कोई और पार्टी ने संभाला। तो हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, इस बार हमारे भाईचारे से विधायक जो है नारनौल की तरफ से हरियाणा विधानसभा में। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप भारती। पंचायत आज हमारे जो 18 गांव के भाईचारा है जिसे हम 12 खाप का नाम दिया गया है, और ये हमारा ऐतिहासिक चौतरा 18 गांव का, इस पर उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर के हमारा भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। क्या फैसला हुआ इसमें? इसमें अभी रखा गया कि भाई दो हमारे पास कैंडिडेट हैं, जो एक संभावित कैंडिडेट है, एक वर्तमान में कैंडिडेट बन चुका है। वर्तमान में जो कैंडिडेट बन चुका है वो आम आदमी पार्टी से संदीप लोरा, और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से हैं भाई राजबीर संधु, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। उनको लेकर के फैसला होना था भाई हम किसको समर्थन दें, वो अभी आगे 29 तारीख के लिए रख दिया गया है, जिसमें से संदीप लोरा को राखी खास और राखी शाहपुर ने पूरा अपना समर्थन दे दिया है और चंदा भी एकत्रित करके दे रहे हैं। धन्यवाद।